الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھی معزز سامعین اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر پھر ایک بار اپنا فضل فرمایا اور دار الایمان والتقوی کربوغہ شریف جو تحریک ایمان و تقوی کا مرکز ہے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ایک بار پھر اس اصلاحی روحانی تربیتی سالانہ اجتماع سے استفادے کا موقع عطا فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ معزز سامعین یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے ہماری اس عمر زندگی اوقات میں ایسے لمحات مہیا فرماتا ہے کہ جس سے ہماری اس عمر عزیز کے قیمتی ہونے کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں جو اللہ جل شانہ نے ایک عظیم سرمایہ دیا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہماری توجہ اس سرمایہ کی طرف جاتی ہے کہ کتنا بڑا سرمایہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہم سے ضائع ہو رہی اس اجتماع میں ہم جیسے غفلت میں ڈوبے ہوئوں کے لیے ایک دستک ہوتی ہے کہ تمہارے عظیم سرمایہ یہ پگھل رہا ہے ضائع ہو رہا ہے اور اس کو ہم جتنا قیمتی سے قیمتی بنا سکتے ہیں بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں وہ ہے ہمارے عمر اور ہماری زندگی کی گھڑیاں ہمارا وقت
इस दुनिया के अंदर जो नेमतें अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को दी है, उसमें सबसे बड़ी और अजीम नेमत उसके हयात और उसकी ज़िंदगी के लम्हात हैं। अगर ये ज़िंदगी ना होती तो हम दुनिया के अंदर किसी भी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते थे, उसका मज़ा हम उससे नहीं उठा सकते थे, हम मादूम होते, हम हस्ती की बजाय नेस्त में होते तो हमें कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें दुनिया में पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी, हमें वक्त दिया जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ नेमतों का हम उससे लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा उठाते हैं। इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत वो इंसान का कीमती वक्त है। इस वक्त की मिसाल घारे की तरह है। घारा आपके पास पड़ा हो, आप किसी भी सांचे में उसको डालें और कोई भी चीज़ आप उससे बनाना चाहे तो उसे वो निकल आएगी, चाहे वो काम की चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आप उससे बनाना चाहे उससे बना सकते हैं। आप उसको ज़ाया करना चाहे तो वो ज़ाया हो जाएगा, आप उससे कीमती से कीमती चीज़ बनाना चाहे तो वो चीज़ उससे बनकर और उसमें ढलकर वो बन जाएगी। ये वक्त इंसान का कीमती भी बनता है और ये ज़ाया भी हो जाता है। ये इज्तिमा इस अजीम सरमाए की तरफ हमारी तवज्जो दिलाने के लिए कि हमने इसको कितना कीमती बनाया या हमने इसको ज़ाया कर दिया। पिछले साल जो इज्तिमा हुआ था या उससे पिछले सालों के अंदर जो इज्तिमाआत हुए थे उसके अंदर जो कुछ हमने देखा, हमने सुना, उस पर हमारा कितना अमल रहा साल भर, क्या हमारे अंदर गुज़श्ता ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई है, हम बदल गए हैं, हमने अपने ज़िंदगी का कांटा बदल दिया है, हमने अपनी ज़िंदगी गुजारने का रुख दुरुस्त कर लिया है, सही सिमत की तरफ मोड़ दिया है या नहीं। तो ये चार रोज़ा इज्तिमा जो जुमेरात के ज़ोहर से शुरू हुआ, ख़त्म ख्वाजगान दुआ हज़रत ने कराई और सूरह यासीन शरीफ क़ुरान करीम की तिलावत, और इतवार की सुबह इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा, ये इसी सिलसिले में। इसके अंदर जो कुछ पैगाम आपको देना है ये पूरे दौरानिए के अंदर हम सब ने उसको गौर से सुनना है और देखना है, फिर उस पैगाम को अपने पल्ले बांधना है और उसको साथ ले जाना है। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त बावजूद मुसलमानों की कसरत के उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ फितनों ने घेर रखा है, और जो इसकी शाराह है जिस पर इसको चलना चाहिए उस पर चलने नहीं देते वो फितने, और रोज बरोज वो फितने बढ़ते जा रहे हैं। जितने हम आगे जाएंगे एक से दूसरा दिन आता है, एक रात गुजर जाती है दूसरी रात आती है, तो फितने रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, और उन फितनों से बचना अल्लाह जल्ल शानहू ने उसका तरीक़ेकार हमें बतलाया है। मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ इज्तिमाआत में, मुख्तलिफ सतह पर इस उम्मत के अंदर मुस्लिहीन और मुर्शिदीन हज़रात उलमाए किराम और मशायख काम कर रहे हैं, लेकिन इस इज्तिमा का रंग और इसकी खसूसियत कुछ और तरह है।
जिसके अंदर ये सारे के सारे काम भी जमा हो जाते हैं और एक मुश्तरक अल्लाह है अमल वो सामने आ जाता है अगर आदमी इसको गौर से सुने और देखे। बहरहाल मैं इस वक्त ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा ये वक्त बहुत कीमती है। कुरान करीम की सूरत में जो मैंने तिलावत की अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया है वल आस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम कि इंसान घाटे में है, खसारे में है, इंसान टोटे में है, इंसान तावान में है, नुकसान में है, धोखे के अंदर है, तबाही और बर्बादी में है, इल्ला ये कि वो सही रास्ता इख्तियार करे। और ये जमाने ने साबित कर दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन और किब्ती कौम, आद कौम, समूद, मुख्तलिफ जमानों के अंदर अंबिया किराम के मुकाबला करने वाले और उनकी बात न मानने वाले, उनकी इताअत न करने वाले के बारे में वक्त और जमाने ने साबित कर दिया है कि जिन लोगों ने इस वक्त जैसे अजीम नेमत की कदर न की और इसको सही रुख पे नहीं लगाया तो उसका हशर क्या हुआ। दुनिया के अंदर भी अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको दिखाया, साबित कर दिया और फिर उसका पूरा खसारा वो आखिरत के अंदर सामने आएगा। अल्लाह जल्ल शानहू हमें उस खसारे, उस घाटे, उस तावान और उस टोटे से बचाए। तो ये वक्त बहुत बड़ा कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेअमतान मगबून फीहिमा कसीरुन मिनन्नास अस्सेहत वल फराग, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग धोखे में पड़े हैं या तावान और नुकसान में धोखे में पड़े हैं। वो बहुत अजीम सरमाया है लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, और या वो बड़ा अजीम सरमाया है लेकिन लोगों ने उसको जाया कर दिया, उसमें तावान और नुकसान कर दिया। जिस तरीके से किसी के पास आजकल पाकिस्तानी रुपए पड़े हों उसको इस्तेमाल करे तो ठीक है, इस्तेमाल नहीं करे तो वो रोज बरोज वो घटते जा रहे हैं, उसकी मालियत और उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। और शायद एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो सारे के सारे नोट वो कोठे हो जाए, गवर्नमेंट कहे कि यह आइंदा के लिए इसको इस्तेमाल करना बंद है। या इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरीके से किसी शख्स के पास बर्फ पड़ा है, अगर वो उसको इस्तेमाल करे, शरबत में डाले, पीने पिलाने के काम लाए, लोगों को बेच दे, किसी को दे, तो उसके काम आ जाएगा, वरना यूं धूप के अंदर पिघल जाएगा, सारा पानी हो जाएगा, जमीन उसको चूस लेगी, उसके कुछ काम नहीं आएगा। ये वक्त गुजरता जा रहा है। घड़ियाल की टक टक की आवाज जो हमारे कानों में पड़ती है, ये जब एक मर्तबा गुजर जाती है तो फिर वापस नहीं आती। जिंदगी के चट्टान और पहाड़ मजबूत साल जिस पर हमें एतमाद होता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सारे के सारे ढलते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेअमतान मगबूनन फीहिमा कसीरुन मिनन्नास, बहुत सारे लोग इन दो नेमतों के अंदर घाटे और नुकसान और खसारे में हैं। अस्सेहत वल फराग, एक सेहत और तंदुरुस्ती है बीमारी का न होना, और एक फरागत है कि आदमी किसी दुनियावी धंधे में और किसी मुश्किल के अंदर नहीं फंसा हुआ, उसके पास वक्त है, वो उससे बहुत कीमती कामों में उस वक्त को लगा सकता है। और घाटे में इस तरह है कि या तो लोगों से ये वक्त गपशप के अंदर फजूल कामों में जाया होता है, चुनांचे बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो गुनाह और मासीयत के अंदर वक्त को, फरागत को और सेहत को जाया कर रहे हैं। आजकल नत नए फितने निकल आए हैं जिसमें घंटों जाया हो रहे हैं नौजवान नस्ल की, और इस तरीके से बूढ़ों की और पुख्ता सालों की, सबकी।
ऐसे फितने दुश्मन ने, शैतान ने निकाले हैं कि मुसलमान का कीमती सरमाया उसके अंदर जाया हो रहा, या तो मासीयत के अंदर वो वक्त जाया होता है, या फिर ये कि वो मुबाह कामों के अंदर जिसमें कोई नेकी ना कर सके उसमें जाया होता है, या फिर अगर कोई काम करता है तो उसको बड़े से कीमती काम में लगा सकता है लेकिन बहुत कीमती काम की बजाय मामूली काम कर बैठता है, तो इस शख्स ने भी खसारा और नुकसान की। इसलिए कि अगर वक्त आपका सरमाया, आपके पास 1 लाख रुपए है, वो आपको 50 लाख रुपए नफा भी कारोबार में लगाएंगे तो दे सकता है, और 50,000 और वही 1 लाख रुपए आप किसी और जगह लगाएं तो उससे 5,000 मुनाफा हुआ, तो इसको ताजरों की इस्तेलाह में खसारा कहते हैं नुकसान हुआ। इसलिए कि 1 लाख के ऊपर नफा जो मिलता था 50,000 का, 50,000 की बजाय वो 1,000 या 5,000 रुपए का नफा हुआ, बकिया का नुकसान और खसारा कहते। हिंदुस्तान के अंदर बड़े होते थे हिंदू, वो बहुत मशहूर होते थे, तो उनके बारे में हकायत बहुत मशहूर हुई। किसी ताजर से, किसी बड़िए से कहते हैं कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, मशहूर एक कहावत, उसको कहा गया, फरिश्तों ने कहा कि तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया जाए या जन्नत में, तो उसने कहा कि उसी जगह फेंक दो जहां 4 पैसे का फायदा हो। मतलब यह है कि जहां पर फायदा ज्यादा हो उसी जगह मुझे जाना है। तो अगर आदमी सरमाया अपना 1 लाख रुपए किसी जगह कमाए जिससे 50,000 आए, लेकिन उसकी जगह पर उसने ऐसी जगह पर लगाया जिसमें 1,000 रुपए फायदा हुआ, 5,000 रुपए का फायदा हुआ, तो उसको घाटा और खसारा कहते हैं। इस तरीके से अगर हमारा वक्त बजाय बहुत ज्यादा कीमती होने के कि हम उसमें ऐसे नेक अमाल कर सकते थे कि थोड़े वक्त के अंदर हम अल्लाह जल्ल शानहू का कुर्ब हासिल कर सकते थे। मसलन मैं मिसाल लेता हूं, आपको हदीस मुबारक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फजर के वक्त फजर की नमाज पढ़कर मुसल्ले के ऊपर बैठी थी और अल्लाह का जिक्र कर रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी, और आपके सामने खजूर की गुठलियां थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गए, जुहा के वक्त, चाश के वक्त फिर घर तशरीफ ले आए। सुबह घर से बाहर निकले थे और चाश के वक्त फिर घर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को देखा, उसी जगह पर बैठी हुई थी मुसल्ले के ऊपर। पूछा कि आप उसी वक्त से अब तक बैठी हो जिस तरीके से पहले जिक्र में मशगूल थी उसी तरीके से? उसने कहा कि हां या रसूल अल्लाह, उसी वक्त से बैठी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे कुछ कलमे ऐसे आते हैं कि जिनको मैं 3 मरतबा पढ़ लूं तो आपने अब तक जितना जिक्र किया है उन सब से मेरा सवाब बढ़ जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलिमात भी इरशाद फरमाए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए और फरमाया कि इसका अजर आपने सुबह से लेकर अब तक जो पढ़ा है उससे बढ़ गया, वो भी नेक अमल अल्लाह का जिक्र और ये भी नेक अमल अल्लाह का जिक्र। इसका मतलब यह है कि इंसान का ये वक्त कीमती से कीमती बन सकता है जब आप इसको बनाना चाहें। तो यह अर्ज कर रहा था कि ये नेमत अल्लाह जल्ल शानहू ने जो इंसान को जितनी नेमत ये दी है, उसका वक्त और उम्र अजीज, और हमारे उम्र की घड़ियां बहुत कीमती है, ये निकल रही है हमारे हाथों से। दुनिया का ये वक्त इतना कीमती है कि इसमें आप ला इलाह इल्लल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह 3 सेकंड नहीं लगते उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें एक 80 साल 70 साल मुशरिक और काफिर मुसलमान होता है, वो काफिर और मुशरिक हो उसने पढ़ा ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, मुसलमान हो जाए।
یہ اتنا قیمتی ہے. اور پھر مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے, جاہلیت اور کفر و شرک کے زمانے میں جتنے بھی گناہ بڑے سنگین جرائم اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے یہ کلمہ اس کو ڈھا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, یہ حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زانوں تہ کیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھائیے. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اور خالد ابن ولید یہ دونوں بڑے ہوشیار اور بڑے کام کے آدمی تھے, آپ حضرات کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان ہونے پر بہت زیادہ خوش ہوئے, آپ نے جلدی ہاتھ بڑھائے بیعت کرنے کے لیے کہ یہ بیعت ہو جائے مسلمان ہو جائے. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے واپس کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ایک شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تشترط ماذا, کیا شرط ہے؟ اور اس نے عرض کیا شرط یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں جتنے جرائم بڑے اور چھوٹے گناہ میں نے کیے ہیں وہ سارے معاف ہوتے ہیں تب میں مسلمان ہوتا ہوں, اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو پھر تو کچھ فائدہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدی ما کان قبلہ وان الحج یہدی ما کان قبلہ. اے عمر, تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام ڈھا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو, جرائم کو جو اس سے پہلے کسی نے کیے ہیں, وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ہجرت, اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو یہ کلمہ انسان اسی حیات دنیویہ میں پڑھتا ہے, 3 سیکنڈ لگتے ہیں اور اس کے سارے گناہ سارے جرائم معاف ہوتے ہیں. یہ اتنا قیمتی وقت ہے. قبر کے اندر جا کر قیامت تک پڑا ہوا مردہ اگر وہ اس کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے, شاید کسی کو اللہ جل شانہ نصیب کرے, اس لیے کہ اس کو ذکر کا شوق تھا دنیا کی زندگی میں لیکن اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. نمازیں پڑھتا رہے اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا برزخی زندگی میں. حشر کے اندر آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی, اس دنیا کی 60, 70, 80, 100 سالہ زندگی میں انسان جو کچھ بننا چاہے وہ بن سکتا ہے. یہاں پر وقت ضائع ہوا, قبر میں, حشر کے اندر, آخرت میں پھر یہ موقع نہیں ملے گا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اپنی امت کو سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی اور ہمیشہ باقی رہے گی, آپ کی رسالت باقی اور ہمیشہ باقی رہے گی, اگرچہ آپ خود بنفس نفیس اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں. آپ کی تعلیمات, آپ کے ارشادات, آپ کی احادیث مبارکہ, آپ کی شریعت, یہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اب بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ هل تنتظرون, وفی روایت هل ينتظرون, یہ لوگ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ مجھے بھی فرمایا, آپ کو بھی فرمایا, ہر شخص کو جنجوڑا. اس زمانے کے اندر موجود صحابہ کرام کے لیے بھی ارشاد ہے, ان کے بعد میں آنے والوں تابعین اور تبع تابعین کے لیے ہے, اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنم مدغیا او حرم مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادھا و امر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا تم انتظار کرتے ہو اس بات کا, فقرا منسیا, کہ ایسا فقر آئے دو جو تجھ سے سب کچھ بھلا دے. ابھی اللہ جل شانہ رزق دیتا ہے,
अल्लाह पाक ने रहने के लिए घर दिया है, जैसा भी है अल्लाह जल्ल शानहु रोजी देता है आसानी के साथ। ऐसा फकर आ जाए मुनसियन, जो इंसान से अल्लाह की जिंदगी बुला दे, इंसान से मुसलमान होना बुला दे, इंसान से नमाज बुला दे, इंसान से ईमानी तकाजे बुला दे, वो फकर के इंसान से अल्लाह जल्ल शानहु के इरशादात और अल्लाह का हुक्म बुला दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भुला दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर चलना बुला दे, इबादात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के रंग में डलना बुला दे कि मुझे किस तरीके से इबादत करनी है। फिर फकर का गम है, भूख लगी है, बच्चे भूखे हैं, मैं खुद भूखा हूं, घर में इन चीजों की जरूरत है, कुछ है नहीं, परेशानी का आलम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अभी तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह जल्ल शानहू ने सब कुछ दिया है, क्या अब जो तुम नहीं कर रहे अमाल और अल्लाह की तरफ अपना रुख नहीं मोड़ रहे, हल तंतजिरून इल्ला फक्रम मुनसियन, क्या उस फकर का इंतजार करते हो जो तुमसे सब कुछ बुला दे, फिर सिर्फ अपने एहतियाज और हाजतों का ख्याल रहे, किसी और चीज का ख्याल ना हो, न नमाज का न किसी और चीज का। बहुत चीज ऐसी होती है कि इंसान को सब कुछ इंसान से बुला देती, दुश्मनी होती है, मामूली बातों पे दुश्मनी बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान की दुश्मनी और अदावत, बगज़ और हसद ये किसी के साथ न बने, वरना ये चीजें बढ़ती 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 जाती है, फिर आइंदा दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने से ये बंदा रुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वल हसद वल बगदा फइन्नहल हालिक ला अक़ूलु तहलिकु शअर वलाकिन तहलिकु दीन, अपने आप को हसद और बगज से बचाओ, अदावत से बचाओ, इसलिए कि यह हालिका है। और आपने इरशाद फरमाया मैं ये नहीं कहता कि यह बालों को मोड़ने और साफ करने वाली है, बल्कि ये दीन को मोड़ने और साफ करने वाली। आपका दीन, आपके आमाल, आपका ईमान, आपके अखलाक, आपकी इलाहियत, आपका खुशू, आपकी आजी, आपका तवाज़ो इबादात में, वो सब कुछ खत्म कर देगी। नमाज पढ़ोगे पता नहीं चलेगा मैंने नमाज पढ़ी या किया कि? उसकी फिक्र होगी कोई पीछे तो नहीं लगा। फकर आ जाए, वो फकर इंसान से सब कुछ बुला दे। एक वाकया मशहूर है, ढाका के अंदर एक नवाब था, बड़ा मालदार था, जमीने जायदाद नकद माल बहुत ज्यादा था, उसकी औलाद में एक लड़का और एक लड़की थी। उस नवाब का इंतकाल हुआ, वो दोनों नवाबजादे रह गए, लड़का और लड़की उसकी, पैसे बाप के रह गए, सारा सरमाया उनके पास रह गया। हिंदुस्तान के नवाब और लखनऊ के नवाब बड़े मशहूर हैं कुछ न करने में, अपने आप को साफ सुथरा रखने में, किसी चीज को हाथ न लगाने में, ये दोनों भी ऐसे थे। बाप जब मर गया तो एक वक्त, एक दिन ये जो लड़का था नवाब का, लड़का नवाबजादा, उसने दिया सलाई की तीली जलाई माचिस की किसी जरूरत के लिए, जब वो जलाई तो उससे बू निकलती है, जब आदमी ये तीली जलाता है तो उससे बू निकलती है माचिस की। पहली बार उसने ये बू सूंघा, उसको बड़ा मजा आया, तो उसके ऊपर दूसरी तीली जलाई, फिर तीसरी तीली, फिर इसको इसका शौक हो गया नशे की तरह, और माचिस के डिबिया मंगाता था बाजार से, ढेर लगे हुए होते थे और तीली पे तीली जलाता था। नवाबजादा था, कोई काम तो उसने किया नहीं था। अब वो सरमाया जैसे ही वो माचिस खत्म होते हैं, और ले आओ और ले आओ, ये उसकी जिंदगी का मशगला बन गया, सुबह से लेकर शाम तक, यहां तक कि उसका जो अपना माल था वो सारा का सारा इसमें खत्म कर दी। न उसको किसी कारखाने में लगाया, न किसी मार्केट में लगाया, न किसी दुकान और तिजारत में लगाया, वो सारा इसी में खत्म हुआ। वो जो नवाबजादी थी इसकी बहन, वो बाजार गई थी कपड़ा खरीदने के लिए,
और दुकानदार से उसने कपड़ा खरीदा, दुकानदार ने जब कैंची से कपड़े में कट लगाया, उसको फिर हाथ से यूं फाड़ दिया तो उसकी आवाज निकलती है कपड़े की। उस आवाज को सुनकर उसको बड़ा मजा आया, उस औरत को, नवाबजादी को। तो उसने कहा कि ये तो बड़े मजे की आवाज है। वो घर आई, वो कपड़ा खरीदती थी और उसको पाड़ती थी, कपड़ा खरीदती थी उसको पाड़ती थी। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने एक औरत की मिसाल जो मक्का मुकर्रमा के अंदर थी, मुफस्सिरीन ने लिखा है, उसकी मिसाल ली है। वो सुबह से लेकर शाम तक धागा और खाद सूत खाती थी और फिर उसको जो है वो पाड़ती थी, फिर सुबह दोबारा नई सरी से करती। इस तरीके से ये नवाबजादी का सारा सरमाया कपड़ों के ढेर लाकर रख दिए, उसको पाड़ती जाती थी, इस पूरा सरमाया भी खत्म हुआ, सारा वक्त भी इसी के अंदर गुजर गया। और कहते हैं कि वो सरमाया जब सारा खत्म हुआ तो वो दोनों बहन और भाई भीख मांगने लगे, और जिस बाजार में वो भीख मांगती थी वो औरत, वो बेगम बाजार से मशहूर हुई उसके नाम से। वो सारा सरमाया उसका उसी के अंदर गया। तो ये माल कीमती सरमाया था, इसको दुनियावी एतबार से किसी भी तिजारत में और कारोबार में आदमी लगाए तो उससे करोड़ों कमा सकता है, लेकिन अगर उसको आदमी जाया करे तो इस तरीके से जाया हो जाता है कि फिर आदमी अपने खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं रहता, वो सारा खत्म। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये इंसान का ये वक्त, ये बहुत कीमती है। अगर आदमी इसको काम के अंदर लगाए, ये इज्तिमाआत इस्लाही तरबियती, और यहां करबोगा शरीफ के इस अजीम मरकज से इस खबर देने के लिए और झंझोड़ने के लिए और पैगाम देने के लिए कि आप अपना वक्त कीमती किस तरीके से बनाएंगे। आजकल के इस फितनों के दौर में उम्मत मुस्लिमा के अफराद को किस चीज की जरूरत है। एक आदमी कभी एक लाख और हजारों आदमी पर भारी हो जाता है, और कभी एक लाख आदमी एक आदमी का काम नहीं कर सकते जब वो अपने आप को कीमती न बनाए। इस उम्मत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ये सारी की सारी चीजें गुजर गई। एक एक आदमी हजार लाख आदमियों के ऊपर भारी होता था। आजकल अजीब बात यह है, मैं ये बात हमेशा सोचता भी हूं और करता भी हूं कि इंसान के अंदर जो अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कीमती जवाहरात रखे हैं, इस्तेदाद और सलाहियतें रखी हैं, वो इसको जाया कर रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। इसके अंदर कमालात है, चाहिए ये था कि ये कमालात ये जाहिर करता इस दुनिया के अंदर, ये मैदान है इसके जाहिर करने का, ये इसको जाया कर रहा है। और ये मशीनों के टेक्नोलॉजीज के जो कमालात हैं वो सामने लाता है कि ये चीज इस काम की है, ये चीज इस काम की है, इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है। ये कंप्यूटर है, इसका ये फायदा है, ये मोबाइल है, इसका ये फायदा है, ये चीज है, इसका ये फायदा है, इंसान का क्या फायदा है। ये कीमती चीज जो सारी चीजें इसकी जरूरत के लिए थी और इसकी खिदमत में लगी थी, और ये इसलिए था कि इसकी सलाहियतें उभर आए, सामने आ जाए, खुल जाए। सहाबा किराम की सलाहियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की बरकत से खुल गई। पहले वो मदफून थी और वो जाया हो रही थी, कहीं पर बेटे को मार रहा है, कहीं अपनी बच्ची को मार रहा है, कहीं लड़ाई में जाया हो रही है, आपस की लड़ाइयों के अंदर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठ गए और ईमान के हलके में इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर वो सलाहियतें सामने आई। हर चीज फिर उन सब सहाबा किराम के अंदर थी। मैं किताब देख रहा था, मामूली से मामूली चीजें भी, यानी अगर दुश्मन के पास कोई चीज है दुनियावी एतबार से, वो भी मुसलमानों के अंदर थी। चुनांचे मैं देख रहा था एक दफा रोम के बादशाह के साथ मुसलमानों की लड़ाई थी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अनहो की खिलाफत का दौर है, मुल्क ओपन मुल्क फतह हो रहे हैं, मुसलमान दुश्मनों के इलाकों में घुस रहे हैं,
जब रोम की तरफ बढ़ रहा था लश्कर, तो रोम के बादशाह की तरफ से खत आया। वो संभल नहीं रहा था, अपने आप को संभाल नहीं सकता था। मुसलमान उस पर हमले कर रहे थे, तो उसने मौका मांगना चाहा। उसके लिए ये चाल उसने चली, दो आदमी भेजे, एक बड़ा मजबूत पहलवान और दूसरा लंबे कद का, और मुसलमानों से कहा कि अगर आपके पास इससे बढ़कर मजबूत पहलवान है और ये जो लंबे कद का आदमी है इससे बढ़कर लंबे कद वाला आदमी है, तो फिर ठीक है, अब अपना जंग जारी रखें, वरना 3 दिन के लिए फिर जंग बंदी करें। अगर आपके पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये चीजें आपके पास नहीं है, हम जीत गए हैं, तो 3 दिन के लिए जंग बंदी होगी, आप आगे ना आए। वो दोनों आदमी जब आए तो जो पहलवान था, तारीख की किताब में लिखा है कि हजरत मोहम्मद इब्नुल हनफिया हजरत अली करम अल्लाह वजहू के साहबजादे, मदीना मनोवरा के मशहूर फकीह और मुहद्दिस हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के अल्लाती भाई मोहम्मद इब्नुल हनफिया रहमहुल्लाह, उस पहलवान के मुकाबले में उसको पेश किया गया। वो पहलवानी का मुकाबला इस तरह हुआ कि मोहम्मद इब्न हनफिया रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि देखो मैं बैठता हूं, तुम मुझे उठाओ अपनी जगह से, और फिर तुम बैठोगे, मैं तुझे उठाऊंगा हाथ से खींच कर। चुनांचे ये बैठ गए। वो जो रूमी पहलवान था उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन उसको जमीन से नहीं उठा सका। फिर उसके बाद ये खड़े हो गए, वो रूमी पहलवान बैठा था, उसने जब एक हाथ से पकड़ा तो यूं दूसरी तरफ गिरा दिया, और ये मुकाबला जीत गए। इस तरीके से जो लंबे कद का आदमी था उसके मुकाबले में हजरत साद इबन उबादा रजी अल्लाह अनहु मशहूर सहाबी हैं, उनके साहबजादे कैस इबन साद रजी अल्लाह अनहु, ये बहुत लंबे कद के थे, मजबूत भी थे जिस्म में और कद भी इनका काफी लंबा था, तो बड़े सखी भी थे, बड़े फयास थे। हजरत कैस इबन साद, वो गजवा जिसके अंदर समंदर ने बहुत बड़ी मछली फेंकी थी और सहाबे किराम उसको खा रहे थे, तो उस मौके पर कैस इबन साद रजी अल्लाह अन्हु ने खजूर के बाग का सौदा किया। खजूर इसके पास नहीं थे, उस आदमी से कहा मदीना मुनव्वरा में मैं दूंगा, मुझे ऊंट दे दो ताकि मैं ज़बह करूं और साथियों को गोश्त खिलाऊं, और गोश्त खिलाते रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फिर मना किया, तेरे पास पैसे कहाँ हैं, कहाँ से दोगे? उसने कहा मदीना मुनव्वरा जाकर दूंगा। फरमाया तेरे पास तो है नहीं कुछ? तो हजरत कैस ने कहा कि मेरे वालिद साहब के पास हैं और वो इतने सखी हैं इंशाल्लाह कि जब मैं उससे मांगूंगा तो वो देंगे, मुझे उस पर एतमाद है। खैर, हजरत उमर रजी अल्लाह ने मजीद ऊन जबह करने से और खदनी से मना किया, कहां से पैसे दोगे? जब ये वापस गए और अपने वालिद साहब को सारा किस्सा सुनाया, हजरत साद रजी अल्लाह अनहु को जो खजरज के सरदार थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मर गए थे जब मुसलमान के ऊपर भूख आई थी। उसने कहा मैं जबह कर रहा था लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने मना फरमाया, और फिर बात सुनाई। उसने कहा कि अभी से मेरा फला फला बाग तू ले लेना, उस आदमी को भी खजूर दे देना, और आइंदा भी जब जरूरत पड़े तो इसी से खर्च करते रहना। ये बाप बैठे, सहाबे किराम में सहावत कूट कूट कर भरी हुई थी, बास सहाबा में बास चीज बहुत ज्यादा दूसरों के मुकाबले में ज्यादा थी। हजरत कैस इब्ने साद रजी अल्लाह अन्हु बहुत ऊंचे कद के थे, उनको पेश किया गया तो वो रूमी का कद उससे टिकना था, ये उससे ऊंचे थे, ये मुकाबला भी जीत। मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह जल्ल शानहु ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जब कमर बांध ली और अल्लाह जल्ल शानहु की खिदमत और अल्लाह की बंदगी के लिए निकले हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहु ने हर सलाहियत हर कमाल उनको अता फरमाया हर मौके के ऊपर। ये इल्म की बात मैं नहीं कर रहा, यह अमल की बात भी नहीं कर रहा। वह दिन को काफिरों से लड़ते थे और रात को अल्लाह जल्ल शानहु के सामने कड़े होते थे। अब्बाद इब्न बिशर रजी अल्लाह अन्हु का वाकया तकरीबन उलमा के नाम इस मजमे में बहुत ज्यादा है, तलबा सब जानते हैं कि तीर के ऊपर तीर लग रहे हैं लेकिन रात को तहज्जुद में कड़े हैं, और जंग के दौरान
تھکے ماندے، لیکن وہ جی نہیں چاہ رہا کہ میں قرآت ختم کروں نماز ختم کروں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا معزز سامعین کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو یہاں کا جو کم از کم جو اجتماع کا دورانیہ ہے، چوتھے روز پر یہ اجتماع ختم ہوگا، آپ اس وقت کو اپنا قیمتی بنائیں۔ وقت قیمتی بنانے کے لیے نظام الاوقات بنانا چاہیے، آپ اپنی جگہ پہ جائیں، اپنے لیے ایک ترتیب بنائیں کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس مجمع کے اندر میرے خیال میں تقریباً سب یا اکثریت، بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جن کا تعلق بیعت کا کسی سے نہیں ہوگا، ورنہ کسی نہ کسی سے بیعت کا تعلق ہے، ان کو پتہ ہے کہ معمولات کے اندر جو آپ کو معمولات بتائے جاتے ہیں، اس کی گنتی، اس کی تعداد اور اس کا وقت، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ معمول آپ کو فلاں وقت پہ کرنا ہے، یہ فلاں وقت پہ کرنا ہے، یہ فلاں وقت پہ کرنا ہے، اس وقت پہ کرنا ہے۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر میں اس وقت نہ کر سکا تو اس کے جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا فائدہ اس پر مرتب نہیں ہوتا، اس کو اسی وقت میں کرنا ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے معمولات اور اعمال کا ایک نظم بن جائے، نظم، آپ اپنی زندگی کے اوقات کو مرتب کریں، ترتیب دیں اس کو آپ۔ اس لیے کہ جب آدمی مرتب کرتا ہے تو جب اس عمل کا وقت ہوتا ہے، پھر اسی وقت کے اندر اس عمل کا کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہی ترتیب بتائی، پانچ وقت نمازیں ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں دن رات کے اندر، لیکن ساری کی ساری نمازیں ایک وقت میں نہیں، فجر کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، صلاۃ الظہر ظہر کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، عصر کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، مغرب کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، عشاء کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، یہ اوقات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز روزانہ اور سال بھر 12 مہینے مسلسل اس ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں، روزوں کے لیے الگ وقت ہے، ایک مہینہ ہے سال کے اندر۔ اللہ جل شانہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے فرض کیے، زکوٰۃ کے اندر سال پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے سال گزرنے کے بعد ایک وقت ہے کہ آپ اپنے مال کا حصہ مقرر وہ اس میں سے نکالیں گے، اور مقرر حصہ ہے آپ کے اوپر نہیں چھوڑا، اللہ جل شانہ نے اس کو متعین کیا ہے۔ ہاں نفلی صدقات کے اندر آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ کا جتنا جی چاہ ہے تو دے، لیکن ایک مقدار مقرر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے نفس کو اس تربیت کے اندر لانا ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح خود کہیں کچھ کرے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو، ایک مرتب نظام کے اندر کرے۔ تو بہرحال اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے لیے نظام الاوقات بھی بنانا چاہیے۔ اس اجتماع کے اندر آپ حضرات دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ جو نظام الاوقات کے جو وہ ہیں کاغذ ہیں وہ لٹکائے گئے، اس کے اوپر ترتیب ہے، جمعرات کے دن کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، جمعے کے دن صبح سے لے کر عشاء تک سونے تک کیا معمولات ہیں، ہفتے کے روز کیا معمولات ہیں، اتوار کے روز کیا معمولات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس نظم میں ہم اندر جو ہے وہ چلے جائیں۔ یہ شیطان کرتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس کو نہیں کرو، بہت سارے لوگوں کو تو اس طرح منع کرتا ہے اس لیے کہ وہ عادی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک اور دیندار ہے اس کو کہتے ہیں کہ کرو ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں، کل سے شروع کرو اس پر عمل، اور جب کل آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، آج تھوڑے سے مزے اڑا دو، یہ آخری موقع ہے، آخری دن ہے، پھر کل سے انشاءاللہ اس ترتیب کے اوپر عمل شروع کرو گے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم ساتھی تھا، ہم سے 1 سال آگے تھا اسباق میں، مدرسے میں، تو مدرسے کی طرف سے تکرار اور مطالعے کا وقت تھا، مغرب سے شروع ہو کر یہ عشاء کی نماز کے بعد، گرمیوں کے موسم میں وقت الگ ہوتا تھا، سردی کے موسم میں الگ ہوتا تھا، تقریباً 10 بجے تک سردی کے موسم میں ہوتا تھا یا 10:30 تک، گرمی میں 11 تک ہوتا تھا۔ وہ ساتھی وہ نہ تکرار میں بیٹھتا تھا نہ مطالعہ کرتا تھا، وہ روزانہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بناتا تھا، پیمانہ لیا ہوا ہے، پنسل بھی ساتھ ہے،
और लकीरें खींच रहा है, उसे जो मबूझ दे क्या कर रहे हो कि भाई ये टाइम टेबल बनाता हूँ, इस वक्त मुझे ये किताब देखनी है, इस वक्त ये देखनी है, इस वक्त ये देखनी है। चुनांची उस दिन का सारा वक्त तकरार और मुताले का उसी टाइम टेबल बनाने में वो सर्फ हो जाता। फिर जब दूसरा दिन आता फिर उसको पाड़ता, कहता है कि ये टाइम टेबल मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा बनाता हूँ। फिर दूसरा बना था, फिर तीसरे दिन तीसरा बना था। इस तरीके से रोज़ाना उसका ये मामूल हुआ था। आखिर में मुझे पता चला काफ़ी जहीन भी था लेकिन वो जहन इस्तेमाल नहीं करता था, उससे काम नहीं लेता था। फिर उसके दिमाग के ऊपर हमला हुआ, बेचारा मातूसा हो गया, मजनून सा। इसी तरह करते करते तो ये नहीं कि शैतान ये कहता है कि अभी नहीं, कल से इंशाल्लाह इस पर शुरू करोगे। जब कल आ जाता है तो फिर कहता है कि आज नहीं, कल इंशाल्लाह इस पर शुरू करो। तरीका यह होता है कि जिस वक्त नेकी का ख्याल आए उस वक्त फौरन उस पर अमल करना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत है, तस्बीहात है, नवाफिल है, फर्ज और वाजिब अमल तो करना ही है, उसके अलावा जो मामूलात हैं उसको शुरू करने के लिए आप फौरन उस तरतीब के अंदर जो है वो जुड़ जाए, लग जाए। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो शैतान आपके ऊपर गालिब आ जाएगा, और अगर उस पर अमल करोगे तो आप शैतान के ऊपर गालिब आ गए। शैतान का दाव पेश बहुत कमजोर है, वो बहुत ही कमजोर है, लेकिन शर्त यह है कि आदमी डट जाए उसके मुकाबले में, वो काम करे। एक आदमी को मैंने देखा, वो साहबजादा था, आलिम का बेटा था, वो मेरे पास आया, मुझे कहा कि हफ्तों भर मैं जनाबत में होता हूं। और मैंने कहा क्यों? कहते हैं मुझे गुस्ल की तौफीक नहीं होती। मैं हैरान हो गया, इस्तिग़फ़ार पढ़ा। जनाबत की हालत में होता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाकर, वो बच्चे बच्चियों का बाप था कि गुसलखाने में जाकर आदमी गुसल करे। जब आदमी के अंदर नाराज़गी आ जाती है, हिम्मत, वो हार जाता है तो फिर वो किसी काम के काबिल नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता। और जब आदमी हिम्मत करता है, कमर कस लेता है काम करने के लिए, तो बहुत कुछ करता है। तो ये शैतान इंसान को रोकता है बस बहाने बनाकर, अभी तेरी जवानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर अगर बाप अपने बेटे को नसीहत करता है तो माँ आड़े आती है और कहती है कि अभी तो जवान है, अभी लड़का है, इसको कुछ नहीं कहो, नमाज छोड़ दिया है और कोई गलत हरकत की है, कोई गलत काम किया है, कोई सिगरेट पी ली है, कहीं गलत जगह के अंदर चला गया है, तो कहता है कि नहीं भाई अभी जवानी है इसकी, अभी जवानी है। जब बुढ़ापा आता है तो फिर उसके बाद जो है वह अमल करने का मौका नहीं होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तंतज़िरून इल्ला फ़क्रं मुनसियन, क्या तुम इस बात का इंतजार करते हो कि ऐसा फ़क्र आ जाए कि तुझसे सब कुछ बुला दे, औ गिनम मुतगियन, या ऐसी मालदारी आ जाए जो तुम्हें सरकश बना दे, ऐसी मालदारी आ जाए जो तुम्हें सरकश बना दे। पैसे हैं बहुत ज्यादा, पैसों की रेल पैर है, ये भी करना है, इस हराम कारी के अंदर भी पैसे लगाने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के अंदर लगा हुआ है, और आमाल की और अल्लाह जल्ल शानों की बंदगी की फिर तौफीक नहीं मिलती। और मरज़म मुफ़सिदन, या ऐसी बीमारी का इंतजार करते हो जो तुम्हारे जिस्म को बर्बाद कर दे। फिर तुम चाहो नमाज पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो, किसी नेक आदमी की सोहबत में चले जाओ, किसी इज्तिमा में शिरकत के लिए इरादा है जाना है, लेकिन सेहत वो ठीक नहीं है, मैं जा नहीं सकता, पलंग से चारपाई से मैं उतर नहीं सकता। औ मरज़म मुफ़सिन औ हरमम मुफ़निदन, या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार करते हो जो तुम्हें फना कर दे। आदमी जवान ही है, सब कुछ कर सकता है, बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता, फिर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता, जी चाहता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। उस बुढ़ापे का इंतजार करते हो, दुनिया के अंदर ये चीजें भी आ सकती हैं। या फिर तुम मौत का इंतजार करते हो, वो तो तैयार सर पर खड़ा है, कुछ पता नहीं कि मौत किस वक्त आ रही है। वो बीमार को भी नहीं देखता, वो तंदुरुस्त और सही को भी नहीं देखता, वो जवान और बूढ़े में फर्क नहीं करता, वो बच्चे और जवान को नहीं ही देखता। मौत कभी जवानी में आ जाती है, कभी बुढ़ापे में आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। इस मौजूद वक्त से अगर आदमी फायदा उठाए तो यही उसने उठा लिया बस।
اگر اس میں توبہ کرے اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آئندہ ارادہ کرے اس ارادے کے اوپر اس کی جان نکل جائے گی. چنانچہ حدیث مبارک میں واقعہ مشہور ہے کہ 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 پورے کیے, اور پھر جب اس نے توبہ کیا اخلاص سے اس جگہ کی طرف چل پڑا تو اللہ جل شانہ نے اس کی روح علیین والے فرشتوں کے حوالے کر دی اور وہاں پر پہنچ گئی. اس نے ارادہ کیا, ہمت کی, قدم اٹھایا, اللہ پاک نے اس پر ایسے آثار مرتب کی, موت کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اوید دجال فشر غائب ينتظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دجال کا انتظار کرتے ہو؟ فشر غائب ينتظر, وہ تو ایسا عظیم شر ہے جو پوشیدہ ہے, اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس دجال کے پیش خیمے, وہ فتنے وہ ظاہر ہو رہے ہیں, اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے گا تو پھر آدمی بھاگ جائے گا اس سے بچ جائے گا. نہیں, اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صلحاء کی مجالس, نیک جگہ, نیک اعمال, نیک ساعات اور گھڑیاں, اس میں آدمی کھپ جائے اندر, اس میں مل جائے, تب وہ شیطان سے دجال سے محفوظ ہو سکتا ہے, ورنہ پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دجال سے ڈرایا, اور ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤ, اس کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ, اس سے بچو. اس نے کسی کو ہڑپ کر لیا تو پھر اس نے بچے کی کوئی صورت نہیں. اور وہ ایسا ہے کہ انسان کی یہ حواس, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ قوت لامسہ, یہ قوت شامہ, یہ قوت باصرہ, یہ سارے کے سارے اس کے کھاتے میں جائے گی. اگر اللہ جل شانہ پر ایمان مضبوط ہے, اعمال صالحہ کا خول اور اس کا کیپسول اپنے اوپر اس نے چڑھایا ہے, تو اس کے بچنے کی صورت ممکن ہے. اگر نہیں تو پھر وہ اس کو ہڑپ کر سکتا ہے. اوید دجال فشر غائب ينتظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے ایسے ڈرایا تھا, اور صحابہ کرام بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں باغات کے اندر تو نہیں ہے, کھجور کے باغوں میں. اتنا ہمیں ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم سمجھ رہے تھے کہ کھجور کے باغوں میں کہیں چھپا ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر کے اندر وہ آ نکلے گا. ہاں, ہم ہی ابھی 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی گزر گئے ہیں, کچھ بھی فکر نہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے, کہیں سوچا بھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو, اپنی قوم کو اس سے ڈرایا, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام جو پہلا نبی مرسل ہے, اس سے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں, لیکن جو باقاعدہ مشرکین و کفر شرک والوں کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے. آپ نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے, اتنا عظیم فتنہ ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ فتنہ جب آئے گا تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی, اس کے لیے ابھی سے اپنے پاس ہتھیار محفوظ کرنا. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اوساح فسا تو ادھا و امر, یا پھر تم قیامت کا انتظار کرتے ہو تو قیامت تو بڑی خوفناک چیز ہے اور بڑی کڑوی چیز ہے, وہ سب کچھ کا ذائقہ بدل دے گی. پھر قیامت جب آئے گی تو پھر اس کے اندر آدمی کچھ کر نہیں سکے گا, وہ تو توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں, توبہ کی توفیق نہیں ہوگی, توبہ کرے گا بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. کافر ایمان لائے گا, اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں, یہ قیامت شروع ہو جائے گی, وہ انتہائی خطرناک چیز ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماع ہم اس طریقے سے اس کو گزارے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی گزر جائے, اس میں اس کے معمولات یہاں کے حضرات نے, انتظامیہ نے, منتظمہ نے ترتیب دیے ہماری سہولت کے لیے, ہماری آسانی کے لیے. طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پر تحریر میں آئی ہیں ہم اس کو پڑھیں, ایک نہیں کئی بار پڑھیں, کس وقت, کس معمول میں, کس طریقے سے جڑنا ہے, اس کے لیے مجھے پہلے سے کیا تیاری کرنی ہے, باوضو رہنا ہے, اور حال کے اندر یا جہاں پر جمع ہونا ہے وہاں پر پہلے سے آ کر جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے آنا ہے,
या तस्बीहात और जिक्र का वक्त है उस वक्त तस्बीहात शुरू करनी है, या तहज्जुद के लिए उठना है तहज्जुद के लिए सवेरे उठ जाएं, इसमें वो शख्स जीत जाएगा और शैतान के ऊपर भारी और गालिब आएगा जो इन मामूलात के अंदर जो है वो अपने निजाम को दुरुस्त बनाए, इसके मुताबिक चले। हर चीज आपकी अपने वक्त पे हो उससे फायदा उठाए। बयानात हो, बयान को तवज्जो के साथ सुने शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपका ये कीमती वक्त जाया ना हो। और मामूलात, इनफरादी मामूलात का वक्त है वो वक्त हो। खाने पे आपके लिए बुलाया जाए तो आप फौरन दस्तरखान पे आराम से चले जाए। बाद चीजों के अंदर आप ईसार की कोशिश करेंगे, ईसार की, दूसरों को तकलीफ ना देने की कि ये मुझसे आगे बढ़ जाए, दक्कमपेल ना हो, दूसरों को ईजा और तकलीफ ना हो। आप वजू करें, ऐसी जगह पर पानी ना बहाएं कि जहां पर लोगों को तकलीफ हो, फिसलने का खतरा हो। अब मस्जिद से बाहर जाना चाहे, किसी के जूते और चप्पल न पहने कि जिसकी वजह से वो बंदा परेशान ना हो। आपके अपने जूते मस्जिद के अंदर है, आप कहते हैं कि ये तो मस्जिद का बाहर का हिस्सा है, अंदर जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी, नहीं, आप जाएं अपने जूते उठाएं और अपने जूते वहां रखें। एक आदमी एक किसी के जूते गलत उठाए तो उसकी वजह से 20, 40, 100, 500 आदमियों को तकलीफ हो सकती है। मैंने एक के जूते पहने, वो दूसरे के पहनेगा, वो तीसरा भी परेशान हो, वो तीसरा चौथे के पहनेगा, वो भी परेशान हो जाएगा। इस तरीके से सिलसिला चला जाएगा। एक शख्स की गलती की वजह से आदमी कितना परेशान होता है। हरम शरीफ के अंदर हमने देखा है, हमारे साथ एक हाजी साहब थे, उसके चप्पल कोई उठा कर ले गया, तो वो कमरे में आया, बहुत कीमती चप्पल लेकर आया था। उससे मैंने कहा कि हाजी साहब ये चप्पल आपने नए खरीदे, मुबारक। उसने कहा कि नहीं, खरीदे नहीं। मैंने कहा फिर, तो उसने कहा मेरे चप्पल किसी ने उठाए थे, ये मैंने वहां हरम शरीफ के दरवाजे से उठाए। तो मैंने कहा ये तो नीचे जो इज्तिमाई चप्पल होते हैं वहां के चप्पल नहीं लग रहे। उसने कहा नहीं, मैंने अलमारी के अंदर बहुत खुफिया खाने में रखे हुए थे, वहां से मैंने उठाए। मैंने कहा वहां से क्यों उठाए? कहने लगा मेरे किसी ने उठाए थे, तो मैं गुस्सा होकर मैंने कहा सबसे उमदा चप्पल मैं ले लूं और वो मैं पहन। तो मैंने कहा तुमने कितनों को तकलीफ दोगे, और ये चप्पल वहां वापस ले जाओ, उसी जगह के अंदर रखो। वो बेचारा घूमेगा फिरेगा कि मैंने कौन सी अलमारी के अंदर रखे, पूरे हरम का चक्कर लगाए। और ईजाए मुस्लिम ये हराम है, किसी मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम है। आपके किसी ने उठाया, उसने गलती की, आप पैदल भी आ सकते हैं। तो अर्ज ही कर रहा था कि बास तबीयतों के अंदर ये चीज है नहीं, वो किसी जाब्ते में नहीं आ सकते, खप सकते। हालांकि नफ्स कुशी इसमें होती है कि आप नफ्स के ख्वाहिशात पर अमल करना छोड़ दे। बस आपका जी चाहता है कि मैं बयान न सुनूं, आप नफ्स को कहे कि नहीं सुनोगे बयान। आपका जी चाहता है कि मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठ रहा, मेरा नहीं जी नहीं चाह रहा, मैं सोता हूं नींद करता हूं, नहीं। आप अपनी जी और नफ्स की बात न माने, आप उठें। जिस तरीके से लोग उठ रहे हैं सवेरे उठे, चाहे आप उम्र भर साल भर कभी नहीं उठे, आप आए इसलिए कि यहां से फायदा उठाए। आपका जी चाहता है कि बयान बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा घूमे फिरें, नहीं, आप बैठे रहें, अपने नफ्स के ऊपर जोर डालें, ये हिम्मत करें। और जब आज आपने ये किया तो कल के लिए आपको ऐसा करना आसान हो जाएगा, फिर आइंदा फिर आसान हो जाएगा। इस तरह होते होते आपका नफ्स खुद जो है वो सर रखेगा, जिस तरह उस पर सवार हो गया उस तरीके से वो करे। और ये नफ्स, इसको आप छोड़ेंगे तो ये आजाद हो जाएगा, फिर सर उठाएगा। मौलाना रूम रहे मोहल्ला ने लिखा है कि एक शख्स जंगल गया था, लकड़ियों का गट्ठा लेकर आ रहा था, उसने एक सांप को देखा मुर्दा पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं था वो जिंदा था, लेकिन सर्दी की वजह से वो हरकत नहीं कर सकता था। घर ले आया बच्चों को दिखाने के लिए कि कितना बड़ा सांप है। जैसे ही उसने फेंक दिया तो उस सांप ने गर्म होकर तपिश की वजह से सर उठाया और फिर पूरे लोगों को, घर के लोगों को भगाया, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। इस तरीके से नफ्स की मिसाल है। अगर नफ्स की कड़ी निगरानी करोगे और इसकी निगरानी करोगे, इसकी मुखालफत करोगे, यह आपका कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप इससे बेफिक्र हो गए, इसको छोड़ दिया,
तो आहिस्ता आहिस्ता ये सर उठाएगा, फिर ये सवार हो जाएगा। फिर हालत वो होगी कि जिस तरीके से वो आदमी की कहता था कि चार चार पांच पांच दिन में जनाबत के अंदर होता हूँ, गुसल करने की तौफीक नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलु अल-मलाइका बैतन फीही कल्बुन औ सूरतुन औ जुनुबुन, उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसके अंदर कुत्ता है या तस्वीर है जानदार की, या उसमें कोई जुम भी है जनाबत की हालत में, उस पर नमाज का वक्त गुजरता है, वो गुसल नहीं करते। तो अर्ज ही कर रहा था कि इस वक्त को इज्तिमा से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और ये तब हो सकेगा जब आप पूरे तवज्जो से हर मामूल के अंदर बैठेंगे, उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, और वो पैगाम अपने साथ बांधकर अपने इलाके की तरफ ले जाएंगे। शायद अल्लाह जल्ल शानहु आपसे अपने इलाके के अंदर खैर फैलाए। इतना काम आप कर सकोगे कि किसी और ने वहां पर उस तरीके से काम नहीं किया होगा। ये जो अल्लाह जल्ल शानहु का देन है, अल्लाह पाक चाहता है, लोगों को देता है, नवाजता है, लेकिन शर्त यह है कि कोई उसके लिए तैयार हो जाए। अल्लाह पाक हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।